हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे सबको। और हम अभी ये निकल रहे हैं मंदिर के लिए। आज है व्रत, मम्मी का है। तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी सावित्री व्रत जो जो कर रहे हैं उनके लिए। और अभी मम्मी भी रेडी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा देर में क्या क्या चल रहा है। वो भी आ रही है। ये लग चला मंदिर के अंदर और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। हमारा पूजा हो चुका है और मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कैसा लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए सावित्री व्रत के लिए पूरा सब जो लेडीज़ लोगों का लंबा लाइन लगा हुआ है, पूरा बहुत ही फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं और पसंद से पूरा बहुत धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है बीच बीच में, फिर भी कुछ काम का नहीं है वो बारिश। दिन में तो ऐसा ही गर्मी लगता है, बस घर में सुकून है। ये चल रहा है अपनी मम्मी का प्रिपरेशन, जा रही है, मैं भी चल रहे हैं। ये गए उसके अंदर, मैं छांव देख के खड़ी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम भी चल लेते हैं, थोड़ा कितना दूर से खड़े रहेंगे इधर से। मंदिर आए हैं तो मंदिर में एंट्री भी होना चाहिए। हम लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन बहुत भीड़ है, तो ये वाला पूजा खत्म हो गया है ग्रुप का। अभी दूसरा और लोग आ रहे हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट हो गया मम्मी का पूजा। अभी पूजा चल रहा है तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैं घर चलती हूँ, मम्मी आ जाएगी बहन के साथ। मम्मी आ गए हैं पूजा खत्म करके और इट्स प्रसाद टाइम, दिखाती हूँ। रेस्ट भी कर चुके हैं दोपहर को और मैं आपको बता दूं, अभी जो है पूजा तो दिन में ख़त्म हो गया था। ये जो व्रत होता है ये मम्मी पापा के लिए करते हैं, तो अभी मैं दिखाऊंगी पूजा ख़त्म होने के बाद क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, ये व्रत जो होता है वाइफ लोग हस्बैंड के लिए करते हैं लंबी उम्र के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो अभी पूजा ख़त्म करने के बाद मम्मी पूजा कर रही है यहाँ पे पापा को भी, क्योंकि वो उनके हस्बैंड हैं। तो अच्छे से उनको फूल चंदन अंदन लगा के फिर प्रसाद भी खाने को मिलेगा, तो यही होता है, इसका प्रोसेस यही है। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखने के लिए कुछ भी, जैसे कि हमारा पुराना कल्चर है, ये कब से चला आ रहा है। तो
पापा को लेकिन बहुत भूख लगा है, उनको खाने का जल्दी है। खत्म। फ्रेंड्स, हमारा डिनर जो है वो हो चुका है अभी, और मैं बता दूं कि मैं आज फ्रूट डाइट में हूँ, तो इसीलिए अभी भी फ्रूट्स खाना पड़ा। डाइट के चक्कर में कहीं इतना सारा फ्रूट्स खा के शुगर लेवल ना बढ़ जाए। तो सब तो ख़त्म हो गया, दिन भी ख़त्म, और आज का दिन थोड़ा आध्यात्मिक पूजा वाला दिन था, तो अच्छा रहा। और आप वीडियो ज़रूर देखिए और कैसा लगा वो बताएं, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।